हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। हमारे बेबी किचन एंड हेल्थ टिप चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आशा रानी आज आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम लेकर आए हैं गाजर वाले मीठे चावल। गाजर वाले मीठे चावल कैसे बनाए और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते। और गाजर वाले मीठे चावल वैसे तो सभी को पसंद आते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आज हम गाजर वाले मीठे चावल लेकर आए हैं और इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए जान लेते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आइए जानते हैं गाजर वाले मीठे चावल बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। ये देखिए, दो गाजर जो हमने छील कर कद्दूकस करके रखी है, बारीक बारीक घिस कर रखी है। आप चाहे तो इनको बारीक टुकड़ों में काट भी सकते हैं। ये एक छोटी कटोरी चीनी, ये घिसा हुआ नारियल और ये सौंफ और ये एक गिलास चावल जो हमने पहले पानी से अच्छी तरह से धोया और थोड़ी देर भिगोने के बाद ये पानी निकाल करके रखा हुआ। अब इसके बाद हम गैस ऑन करते हैं और गैस पर कुकर रखते हैं और कुकर को गर्म होने देते हैं। कुकर गर्म होने के बाद अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच घी डालते हैं। अब घी को गर्म होने देते हैं और जैसे ही हमारा घी गर्म होता है इसमें हम आधा चम्मच सौंफ डालते हैं, साबुत सौंफ। इसको थोड़ा ब्राउन करते हैं। अब सौंफ हल्का ब्राउन होने के बाद, सौंफ को हल्का ब्राउन करना है, ज्यादा काला नहीं करना। अब इसमें हम चावल डालते हैं जो हमने धोकर रखे हैं, एक गिलास चावल। पलटे के साथ चलाते हैं। अब इनको थोड़ा ऐसे भून लेते हैं, अच्छी तरह से भून लेना। अब इसमें हम एक चम्मच सवा नारियल डालते हैं और इसको भी ऐसे चलाते हैं। अब देखिए, चावल ऐसे भूनने के बाद अब हम इसमें गाजर डालते हैं जो हमने घिस कर रखी हुई है। इनको मिक्स कर देते हैं ऐसे, अच्छी तरह से मिक्स कर देना। और देखना गाजर वाले मीठे चावल कितने स्वादिष्ट बनते हैं। देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चीनी डालते हैं एक कटोरी। देखिए, इसको फिर से चलाते हैं ऐसे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी डालते हैं। ये देखिए, एक गिलास चावल में हम डेढ़ गिलास पानी डालेंगे, आधा वो डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करने के बाद और कुकर बंद कर देते हैं और एक सीटी लगवाते हैं। देखना, एक सीटी लगवाते हैं। अब देखिए, प्रेशर निकलने के बाद कुकर खोलते हैं और हमारे गाजर वाले चावल बिल्कुल तैयार हैं। अब इनको परोसते हैं। अरे देखिए, हमारे गाजर वाले मीठे चावल बिल्कुल तैयार है। अब इनको अच्छे से परोसते हैं। अरे देखिए, हमारे गाजर वाले चावल बिल्कुल तैयार है, गाजर वाले मीठे चावल। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। जय माता दोस्तों।